नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस पोस्ट में शेयर करेंगे गणेश उत्सव के दौरान कौन सी सावधानी रखें। जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो सबसे पहले बप्पा को याद किया जाता है ताकि कार्य ठीक तरह से संपन्न हो। गणेश जी का आगमन 19 तारीख को होने जा रहा है। पूरे देश में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। ये उत्सव पूरे 10 दिन तक चलेगा। जो भी सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, लेकिन पूजा के दौरान कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो पूजा अशुभ साबित हो सकती है। आइए जानते हैं क्या सावधानी रखें गणेश उत्सव में। इन बातों का ध्यान रखें, गणेश पूजा में आपसे कोई भूल ना हो जाए, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे गणेश उत्सव के दौरान तुलसी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश ने तुलसी को श्राप दिया था। अगर आप गणेश उत्सव के दौरान तुलसी तोड़ते हैं तो घर में दरिद्रता छा जाएगी। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। गणेश उत्सव के दौरान चंद्रमा से जुड़ी वस्तु का उपयोग ना करें। गणेश उत्सव के दौरान चंद्रमा से जुड़ी किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा ने भगवान गणेश के घर स्वरूप का उपहास किया था। इस वजह से भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था, उनकी सुंदरता चली जाए। इसीलिए गणेश उत्सव में सफ़ेद चंदन और सफ़ेद वस्तुएं नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश उत्सव में टूटा हुआ चावल ना चढ़ाएं। गणेश उत्सव के दौरान टूटा हुआ चावल का भोग या फिर टूटा चावल भगवान गणेश को अर्पण ना करें, इससे घर में दरिद्रता आती है। भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं। गणेश भगवान को केतकी का फूल ना अर्पण करें। भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए केतकी का फूल नहीं भगवान शिव को अर्पण किया जाता है और न ही भगवान गणेश को। इसीलिए गणेश उत्सव के दौरान केतकी का फूल भगवान श्री गणेश को भूल कर भी ना अर्पण करें, इससे अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही मुरझाए हुए फूल भी ना अर्पित करें। और अब जानते हैं गणेश उत्सव के दौरान कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन से काम हमें करने चाहिए। गणेश चतुर्थी पर अपने घर में भूल कर भी गणपति की आधी अधूरी बनी या फिर खंडित मूर्ति की स्थापना या पूजा नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत एवं पूजन करने वाले व्यक्ति को तन मन से पवित्र रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन गणपति की पूजा एवं व्रत रखने वाले व्यक्ति को भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति भगवान को चढ़ाए हुए प्रसाद एवं फलाहार का सेवन करना चाहिए। गणपति की पूजा का पूरा फल पाने के लिए गणेश चतुर्थी पर भूल कर भी तामसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और गणेश चतुर्थी तिथि पर ये 5 काम जरूर करने चाहिए। पहला, गणेश चतुर्थी के दिन गणपति को अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में विधि विधान से बिठाएं और इसी दिशा की ओर मुख करके पूजा भी करें। दूसरा, गणपति भगवान को लाल रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए आज गणेश चतुर्थी की पूजा लाल रंग के वस्त्र पहनकर करें और गणपति की पूजा में लाल रंग के पुष्प फल और लाल चंदन का प्रयोग करें। गणेश चतुर्थी के दिन तीसरा काम ये करें, जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने और मनचाहा वरदान पाने के लिए गणपति भगवान की पूजा में आप दूर्वा जरूर चढ़ाएं। और चौथा काम ये करें, यदि आप गणेश चतुर्थी पर अपने घर में गणपति बिठा रहे हैं तो उनकी समय पर पूजा एवं आरती करें। इसी प्रकार गणपति को दिन में 3 बार भोग लगाएं। पूजा का पूरा फल पाने के लिए 5वां काम ये करें, गणपति की पूजा का शीघ्र फल पाने के लिए आज उनका प्रिय भोग मोदक और मोतीचूर का लड्डू और केला फल जरूर चढ़ाएं। तो ये थी जानकारी गणेश उत्सव में क्या करना चाहिए, क्या ना करें और क्या बरतें।
इस दिन सावधानियाँ जिससे आपको मिले बप्पा का पूरा आशीर्वाद। और अगर दोस्तों आपको ये पोस्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा नमस्कार।